आदरणीय अन्ना हजारे जी पिछले 6-5 दिनों से आमरण अनशन पर हैं अपने गांव लालेगढ़ सिद्धि में। अन्ना जी की मांग है कि लोकपाल की तत्काल नियुक्ति हो और दूसरी मांग है किसानों की समस्या को सुलझाया जाए। किसानों की कई समस्याएं हैं, जैसे किसानों को उनकी लागत उनको लागत मूल्य नहीं मिल पाता है और किसानों को 5,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। तो अन्ना जी पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर है और अन्ना जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, हम लोगों को बड़ी चिंता है। इसी क्रम में हम लोग पिछले 5 दिनों से हम लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 5 दिनों से यहाँ पर अन्ना जी के जो आंदोलन है उसका एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप के चलते यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और राज्य के विभिन्न कोनों में भी अन्ना जी के समर्थन में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम जब तक अन्ना जी की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग इसी प्रकार से अन्ना जी के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर जंतर मंतर समेत देश के कोने कोने में हम लोग डटे रहेंगे। सर, ये सरकार आपकी जैसे मांगे पूरी नहीं करती है तो आप इसका कैसे विरोध करेंगे? नहीं देखिए, सरकार अगर मांगे हमारी नहीं मानेगी या सरकार पे दबाव बनाने के कई तरीके होते हैं। आज राज ठाकरे जी ने अन्ना जी को अपना समर्थन दिया है, कल अन्ना जी ने कहा कि यदि उनको कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, उसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री होंगे और अन्ना जी ने पद्म भूषण लौटाने की बात कही है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक 81 साल का वृद्ध अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए आंदोलन कर रहा है और उसको अपने पद्म भूषण लौटाने की बात करनी पड़ रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुशील भट्ट।